मध्य प्रदेश के रीवा की बात करते हैं, जहां ट्रैफिक पुलिसकर्मी की ओर से अवैध वसूली करने का वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे सिपाही का कॉलेजों में पढ़ने वाले मासूमों से वसूली कर रहा है। ट्रैफिक पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार तो जग जाहिर है, लेकिन इसका सबूत खुद ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारियों ने ही दे दिया। सबूत के तौर पर एक वायरल वीडियो में रीवा ट्रैफिक पुलिस का कर्मचारी सरेआम लोगों से चालान न काटने के एवज में पैसे वसूल करते दिख रहा है। आपको बता दें कि यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने और नियमों का पालन न करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए शहर के सबसे व्यस्तम चौराहों पर तैनात यातायात थाने के प्रधान आरक्षक जगन्नाथ द्वारा खुलेआम अवैध वसूली की जा रही है। पुलिसकर्मी कॉलेज में पढ़ने वाले मासूम और मजबूर छात्रों को अपना शिकार बनाता है। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें बीमार बहन के लिए दवा लेने एक बाइक से तीन छात्र सिरमौड़ चौराहा की तरफ जा रहे थे। तभी कॉलेज चौराहा पर तैनात यातायात कर्मी ने उन्हें रोक लिया और हेलमेट सहित तीन सवारी बैठने की बात कहकर चलानी कार्रवाई किए जाने की धमकी देने लगा। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मी ने छात्रों को बाइक सहित ट्रैफिक थाने ले जाने की भी बात कही। इसी दौरान यातायात कर्मी महज 100 रुपए पर समझौता करने को राजी हो गया, जिसके बाद तीनों छात्रों ने एक दूसरे से रुपए जुटाकर यातायात कर्मी को दिए। उसके बाद ही तीनों छात्रों को वहां से जाने दिया गया। स्टूडेंट बागी दवाई बहन निकल आने दवाई क्या कितना देखे कितने निकल रहे हैं, सबको पकड़ी ना तो बता दिया आपको, तो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। चलो हमारे साथ थाना चलो, गाड़ी समझ जाओ कितना खर्चा आवा है। जानी लाए अपना ले जा, हमका समस्या यार, बहुत खर्चा समस्या फिर परेशान है। कारण यार शादी है, कम से कम तो हर रसीद कितनी करवा दी। अरे सर रसीद रसीद सही ढंग से कम से कम कतई करवा दी। कम से कम हेलमेट के, अरे अपन समझ गए अपना सर थोड़ी। अच्छा तुम ही बता दो, लड़का समझ के और दे सर। अच्छा तुम ही दे दो, कितना दे सर लड़का समझ के, कितना दे दे अपना। कब हम आए क्या सर, अपना की जगह जा रहा कुछ ना आप अपना समझ लीजिए। अरे सर समझ ले थोड़ा लगभग स्टूडेंट से आप समझ ले, पढ़ाई लिखाई वाले चार दूसरी सौदा दे सर, तो भूखन मत जाओ उतना समझिए नहीं लगा है बात का। जान बताई बाहर रह रहे हैं, अबे तेल डरवावे गाड़ी में, गाड़ी वोड़ी आदमी कहो चढ़ा नहीं लेके चला आवा जरूरी रहा हो के कारण। 100 रुपया जमा कर दूंगा देवे सर तो दे फीस जमा करा कर फीस जमा की हमारे कितना लगे खुला खुला वाला निकाल फीस कितना बे 50 तो कितना है 50 है मजमा लगाओगे तो समझ नहीं रहे ना दिखावा ना दिखावा ना मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लीजिए। तो देखा आपने किस तरह से यातायात पुलिसकर्मी सरेआम छात्रों से अवैध वसूली कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या यातायात पुलिस के आला अधिकारी इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे या फिर अपने ही विभाग के कर्मचारी को बचाने के लिए इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल देंगे। रीवा से अनीता पांडे की रिपोर्ट।